अब जल्द ही भारत एक नया इतिहास रचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा करने वाले हैं, जहां वो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद तुमकुरु में बने HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित करेंगे। बता दें कि ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। इसके साथ ही वो विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जाना है। इसका उद्देश्य एनर्जी ट्रांसमिशन पावर हाउस के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन करना है। इसमें दुनिया भर से 30 मंत्री शामिल होंगे, 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 1000 प्रदर्शक और 500 वक्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौती और अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री तेल और गैस कारोबार से जुड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पहल भी करेंगे। प्रधानमंत्री तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप की आधारशिला रखेंगे। इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा। 3 चरण में इंडस्ट्रियल टाउनशिप तैयार किया जाएगा। ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। प्रधानमंत्री तुमकुरु के तिप्तूर और 2 जल जीवन मिशन योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कर्नाटक के तुमकुरु में HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। PM इसे देश को समर्पित करेंगे। 2016 में नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ये ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। इससे HAL की हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता बढ़ेगी। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। यहाँ शुरू में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। नरेंद्र मोदी ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। रैली में ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां शामिल होगी। इसका उद्देश्य लोगों में ग्रीन फ्यूल के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसका इंतजार अब देशवासियों को बेसब्री से है।